यार रेलवे की जो पटरियां होती हैं उनमें जलेबियों को निकाल लिया गया बच्चों द्वारा, यार बहुत गलत है ये, पूरी तरह से हिंसा है ये, किसी भी तरफ से सही नहीं है। तो हम आपको रिकमेंड करेंगे भाई, अगर आप विद्यार्थी हैं, मानते हैं कि हाँ कुछ गलत हुआ है आरआरबी की तरफ से, और ये तो बहुत ही बड़ी प्रशासन की सबसे बड़ी कमी है यार, कि प्रशासन कहीं भी जबरदस्ती करने लगती है। बच्चे हैं, समझाना चाहिए, आरआरबी को सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हाँ भाई अगर हमसे गलती हुई तो हम सुधारेंगे। इसमें जाहिर सी बात है अच्छों अच्छों से यहाँ पे गलती हो जाती है, गलती तो भगवान ने भी कर दी है यहाँ पे आके। तो यार ऐसे इसमें क्या है, ये बहुत छोटी इसी बात को इतना भयानक बना रहे हैं, बच्चों भी बच्चे भी बना रहे हैं, प्रशासन तो बना ही रही। हमने देखा इलाहाबाद के बच्चों को इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा है कि लॉज में घुस के निकाल के बाहर पीट रहे हैं यार ये प्रशासन। हम आपको बता दें प्रशासन, आपकी संख्या करीब 1 करोड़ होगी, लेकिन भारत के युवा करीब 25 करोड़ है। अगर ये अगर चाह लेंगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये पूरी तरह से गलत है। अगर आप प्रशासन है, मानते हैं हाँ आपके पावर है, आपके हम इज्जत करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप गलत कुछ भी करो। बच्चे गलती कर बैठे हैं तो आप उनको समझाइए कि हाँ ऐसा नहीं करना है, आरआरबी को यहाँ सामने आना चाहिए था। अगर ऐसा है कि एक एक बच्चों को चार चार जगह पास किया जा रहा है, चार चार कुर्सी देने की बात कर रहे हैं, ये कहाँ की बात है, ये सच बात, ये पूरी तरह जायज नहीं है। उनको इस पे सुधार करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बच्चों को समझाना चाहिए। लेकिन ना तो रेलवे एक्शन ले रही है, और बच्चे क्या कर सकते हैं भाई, उनका हक है, वो तो कहेंगे ही 4 साल से। जो यहाँ हम आपको बता दें युवाओं की इतनी बुरी हालात है कि यार आप क्या समझोगे, और प्रशासन वालों सच बता रहा हूँ, आपकी तो लाइफ मजे में कट रही है ना, जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं और घर वाले परेशान हैं, उनको मतलब घर में खाने के लिए नहीं होता, फिर भी वो बच्चों को पढ़ा के कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की छोटी सी चूक की वजह से बच्चों को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि बच्चे आत्महत्या तक कर लेते हैं, सोच सोच के मजबूर हो जाते हैं। तो ये तो पूरी तरह से जायज़ नहीं है। हम भी मानते हैं कि हाँ बच्चे गलती कर रहे हैं, बच्चों को पीटा नहीं जाता, इस तरह से उनको समझाइए, बताइए, आरआरबी सामने आए उनको बताए कि हाँ ये गलत हुआ है, अगर हमसे तो हम गलती को सुधारेंगे, आप थोड़ा कुछ दिन के लिए हमें समय दीजिए, ये मांग करिए। लेकिन ना तो आरआरबी एक्शन आ रही है, मतलब गुंडागर्दी का हद ही हो गया यार, ना तो प्रशासन मान रही है ना बच्चे मान रहे हैं। आखिर में क्या होगा कि अपने ही देश में अपने से ही वही कुछ न कुछ यहाँ पे नुकसान होगा, और जो हानि होगी ही, ये जाहिर सी बात है, आंदोलन में होता क्या है आप समझ सकते हैं। पर ये तो गलत है, प्रशासन को समझाने के बजाय ये जबरदस्ती करना, ये बहुत ही गलत है, मुझे भी लग रहा है और काफ़ी लोग कह रहे हैं, ये पूरी तरह से जायज़ नहीं है, हम बता रहे हैं बहुत ही गलत है। भारत के युवा की संख्या 25 करोड़ है, अगर ये अपनी पे आ गए ना तो प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगी, हम दावा करते हैं। प्रशासन के पावर है, अच्छी बात है, पर ऐसा थोड़ी है अब जिसके पास पावर है वो अकड़ दिखाए, ये तो गलत है ना। तो आप ऐसा मत करिए, आप ऊपर तक बात करिए। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, तो प्रशासन को भी चाहिए कि ऊपर तक उनकी बातों को रखा जाए, पहुंचाया जाए। ऊपर से ऑर्डर मिला, अपनी गुंडाई दिखाने लगे कि यार हमारे अंदर पावर है, ये गलत है। पावर का आज गलत इस्तेमाल कर लो, अगर कल बच्चे चाह लिए, अगर कोई चाह लिया, अगर पूरे बच्चे चाह लिए ना, तो फिर ये बहुत ही गलत हो जाएगा, मैं भी कह रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे लगता है ये पूरी तरह से गलत है, और बच्चों को भी मैं रिकमेंड करूंगा। यार बताइए, हमारे एरिया में रेल की पटरियों के जलेबियों को, 2.5 क्विंटल जलेबियों को मैं सुना कि निकाल ले गए, तो ये गलत है। अगर कोई ट्रेन पलट भी जाती है जहाँ कोई जलेबी नहीं है, वहाँ पे ट्रेन लहरा रही थी, अगर वहाँ पे ट्रेन पलट जाती तो उसमें अपने भी हो सकते थे यार, ये पूरी तरह से गलत है भाई साहब। ट्रेन में जाके कुछ वहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे हैं बच्चे, ये गलत है, और आप भी मत करिए। बस हाँ, खान सर ने भी वीडियो डाल दिया है कि आप आज 26 जनवरी है, शांतिपूर्वक काम लीजिए, जो भी है हल निकलेगा, ऐसा नहीं है। वो भी अभी तक शांतिपूर्वक नहीं बैठे हैं खान सर, जो कि बहुत बड़े टीचर हैं पटना के, आज तक वो सच बता रहा हूँ, वो अब तक भी नहीं कह रहे हैं कि पीछे हट जाइए, बस इतना कह रहे हैं कि आज 26 जनवरी है, हमारे देश का जो राष्ट्रीय त्यौहार है, इसे अच्छे से मनाइए, और सामने वाले को भी जो प्रशासन है उनको भी परेशान मत करिए, क्योंकि वो भी आज व्यस्त रहेंगे अपने प्रशासन को मतलब सिक्योरिटी देने में। तो ये आज कुछ मत करिए, उन्होंने कहा है कुछ ना कुछ जरूर आएगा, इस पे एक्शन लेगी आरआरबी, तो आप तब तक के लिए थोड़ा सब्र करिए, ध्यान दीजिए। आई होप कि हमारी बात समझ चुके हैं, तो फिलहाल हम विदा लेते हैं, थैंक यू सो मच।